हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। माई सेल्फ डॉक्टर अमित गुप्ता, आस्था होम्योपैथिक क्लिनिक, सतरिक रोड, चिन्हट से। मैं आज आप सभी को डी फार्मा के जो अधिसूचना जारी हुई है, ये उसके रिगार्डिंग भारत का जो राजपत्र जारी हुआ है, द गजेट ऑफ इंडिया, इसके बारे में कुछ आपको सूचना देना चाहता हूँ। ये 24 फरवरी 2022 में जारी हुआ है, डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन के विषय में। देखिए, एग्जिट एग्जामिनेशन क्या है कि पहले ऐसा होता था कि डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर करने के बाद आप इंटर्नशिप करने के जस्ट बाद आप फार्मेसी काउंसलिंग ऑफ इंडिया में रजिस्ट्रेशन अपना करवा सकते थे। लेकिन अब क्या होगा कि रजिस्ट्रेशन से पहले आप सभी लोगों का एक एग्जिट एग्ज़ाम होगा, और वो एग्ज़ाम के लिए आप लोग अभी से सतर्क हो जाइए, जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर में हैं या सेकेंड ईयर में हैं, क्योंकि ये जो है 24 फरवरी 2022 से लागू हो चुका है। इसका संक्षिप्त अगर देखा जाए तो एग्जिट फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन विनिमय 2022 के नाम से ये जाना जाएगा। ये राजपत्र जो है जिस तारीख से जो है प्रकाशन हुआ है उस तारीख से जो है तब से ये नियम कानून सारी चीज़ लागू हो जाती है। अगर देखा जाए कि आगे फिर हम इसके बारे में फिर आपको डिटेल से सारी सूचनाएं देते हैं कि अगर देखा जाए इसमें तो सबसे पहले देखा जाए कि राज्य फार्मेसी परिषद से अभिप्राय फार्मेसी अधिनियम, ये सारे अधिनियम दिए गए हैं। इसका उद्देश्य मेन चीज़ देख लिया जाए कि इसका ये उद्देश्य है कि फार्मेसी में जो पंजीकरण के लिए उम्मीदवार जो है डिप्लोमा इन फार्मेसी एक जो है पाठ्यक्रम, एक व्यापक व्यवहारिक प्रशिक्षण कार्य प्राप्त कार्यक्रम है, और जिसमें समय समय पर जो है एग्ज़ाम के द्वारा और जो है आपको जो है ये डिग्री प्रदान की जाती थी। इसमें आपको जो है अनुशासन, सत्यनिष्ठा, निर्णय कौशल, ज्ञान, सीखने की इच्छा सुदृढ़ करने के लिए आधारभूत दक्षता प्राप्त की है आपने, और इसके बाद आपको जो है एग्जिट एग्जामिनेशन उत्तीर्ण करने के बाद ही आप सभी को जो है पंजीकृत फार्मेसी में आपका पंजीकरण तभी संभव हो पाएगा, आप लोगों का तभी फार्मेसी में पंजीकरण संभव हो पाएगा। अगर ये आप कर लेंगे उसके बाद ही आपका फार्मेसी में पंजीकरण होगा, इसके पहले आपका नहीं होगा, यानी कि आपको एक एग्जिट एग्ज़ाम देना पड़ेगा। अब आगे देखा जाए कि एग्जिट एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो एग्जिट एग्जामिनेशन की जो प्रक्रिया है, ये आयोजित करने की प्रक्रिया क्या है, इसको हम देख लेते हैं। एग्जिट एग्जामिनेशन उम्मीदवार को तब तक रजिस्ट्रीकृत नहीं माना जाएगा जब तक उसने अपने सारे ये डिप्लोमा में संस्था के द्वारा उत्तीर्ण किया कर लिया गया हो। दूसरा क्या है कि PCI द्वारा अनुमोदित उत्तीर्ण करने पर निर्धारित शुल्क दर्शाया गया प्रमाण पत्र हो, और इसके साथ साथ ये एग्जिट एग्जामिनेशन आपका जो है क्लियर होना चाहिए। एग्जिट एग्जामिनेशन में क्या है, फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी, फार्माकोगनोसी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल ज्यूडिस और ड्रग स्टोर एंड मैनेजमेंट के बहुविकल्पीय प्रश्न पत्र होंगे। 3 पेपर होंगे और तीनों की भाषा जो है वो अंग्रेजी में होगी, और पेपर की जो है 3 घंटे की अवधि होगी। ओके, और इसी क्रम में आगे देखते हैं कि उम्मीदवारों को जो है तभी उत्तीर्ण घोषित किया जाएगा जब वो प्रत्येक पेपर में न्यूनतम 50% मार्क जो है ले आएगा। अभ्यर्थियों को 3 पेपर एक ही प्रयास में प्राप्त कर मतलब उत्तीर्ण करने होंगे, 3 पेपर एक साथ में उत्तीर्ण करने होंगे, और परीक्षा में बैठने के लिए इसके कोई प्रतिनिधित्व नहीं होगा कि आप एक बार बैठे, 2 बार बैठे, प्रयास पे कोई दिक्कत नहीं है, आप कितने भी प्रयास में इसको, लेकिन 3 पेपर, पहला, दूसरा और तीसरा पेपर जो इन सब्जेक्टों का बनाया जाएगा, और इंग्लिश में ये पेपर होगा, हिंदी में नहीं होगा, इंग्लिश में होगा, बहुविकल्पीय यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप का ये क्वेश्चन होगा, इसको आपको क्वालिफाई करना ही होगा। और उसके बाद सफल उम्मीदवार को नामांकन और अभ्यास के लिए पात्रता प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे, और उसके लिए आपको फार्मेसी में पंजीकरण करने के समय आप उसको जो है आपको वो पंजीकरण जो आपको जो पत्र जारी किया जाएगा उत्तीर्ण पत्र उसको आप दिखाना होगा, ठीक है ना। तो ये आप लोगों के लिए एक बहुत ही जो है थोड़ा सा कह सकते हैं अभी फार्मेसी वाले बच्चे जो ज़्यादा निष्क्रिय थे उनके लिए आप सक्रिय हो जाने की ज़रूरत है।
इसी क्रम में आप लोगों को अगर आगे बताया जाए कि एग्ज़िट एग्ज़ाम के लिए आपको तैयारी अभी से आपको कराई जा रही है, और एग्ज़िट एग्ज़ाम में जो अभी देखा आपने कि सब्जेक्ट की बात हमने जैसे कही है, तो सब्जेक्ट में जैसे फार्मास्यूटिक्स है, फार्माकोलॉजी है, फार्माकोगोनोसी है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी और फार्मास्यूटिकल जूडिस, DSBM, ड्रग स्टोर बिजनेस मैनेजमेंट, इन सब के जो है आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो दोस्तों, आपको हम अभी अपने चैनल पर नेशनल हेल्थ मिशन की तैयारी करवा रहे हैं, इसी के साथ साथ इन सब की भी तैयारी हम धीरे धीरे आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों की तैयारी करवाएंगे। जैसे आप लोगों का ये क्लिनिकल फार्मेसी, हॉस्पिटल क्लिनिकल फार्मेसी और DSBM और बायोकेमिस्ट्री, ये सब सारी की सारा मतलब का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सभी के लिए और बिल्कुल उपलब्ध हम कराएंगे जल्द से जल्द आप लोगों की, जिससे आप लोग पहले से ही, जैसे कि MBBS वाले बच्चे एग्ज़िट एग्ज़ाम के लिए अपनी प्रिपरेशन जो है फाइनल ईयर से ही तैयारी कर देते हैं, थर्ड ईयर से ही कर देते हैं, उसी तरीके से आप फर्स्ट ईयर से ही थोड़ा थोड़ा बहुत अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते रहेंगे तो आपका पहले अटेम्प्ट में ही आपका वो एग्ज़िट एग्ज़ाम निकल जाएगा। तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको समय समय पर सारी नोटिफिकेशन और जो है सारी सूचनाएं आपको मिलती रहे। और जितनी भी वीडियो हमने आप लोगों को, चाहे आप फर्स्ट ईयर में हो या फिर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट देख रहे हो, आप ये हमारा वीडियो ज़रूर देखें। और इसको क्योंकि सारे वीडियोस में जो हमने आपको, चाहे ब्लड पढ़ाया, एनीमिया पढ़ाया है, जॉइंट पढ़ाया, टिशू पढ़ाया है, सेल पढ़ाया, जो भी आपको पढ़ाया है, जॉइंट पढ़ाया है, इन सब से भी क्वेश्चन, वो एलाइड सब्जेक्ट से भी क्वेश्चन आपको रखेंगे, क्योंकि एलाइड सब्जेक्ट बहुत मदद करते हैं, ह्यूमन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बहुत सारी चीज़ें, जैसे बायोकेमिस्ट्री में ब्लड की बायोकेमिस्ट्री, यूरिन की बायोकेमिस्ट्री, ये सारे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। तो आप लोग इसी क्रम में सारी तैयारियाँ अपनी जारी रखें पहले से ही। तो हमने सोचा कि इस पर आप लोगों को एक वीडियो बना दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।